चलो 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 ये वाली जो टेरिस पे पड़ी हुई है, ये भूस्खलन होने के बाद अगर मैं अपने कैमरे से दिखा पा रहा हूं तो आप देख सकते हैं, ये वाली भसड़ की बात कर रहा था मैं, जो उस टेरिस पे पड़ी हुई है, इस वजह से ये बैठे हैं यहाँ। सूरज निकल चुका है, भाई ऐसा लग रहा है ऐसे अभी टूट के चांद पे गिरेगी, ऐसे ऐसे तो पहाड़ है। वाटरफॉल में नहा धोवा के हो गया अपना, पास गए नीचे ही ऐसी एरिया, ओ तेरी माँ गीला कर दिया एक ही था साले। एक चीज बोला था ना, अपने सूखे कच्छों के लिए वो अपने सूखे कच्छों का गुरूर ना दिखा कातिया, आज जो सूखा है कल गीला भी हो सकता है। एक लौता कच्छा बचा था वो भी गीला करवा दिया साले ने, हरामी। मेरे को बोलना था मैं तीन कच्चे लाया हूँ, तीन कच्चे अब बच गए तेरे पास एक कच्चा। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम, एक बार और ढोकने वाटरफॉल ढोकाने वाटरफॉल की कड़क चाय। बब बाय ढोकने फॉल, बाय बाय कैंप फाल्कन, बाय बाय लड़के। अच्छा तू तो चलेगा, आजा आजा एक बार और वाटरफॉल ढोकने वाटरफॉल, जय ढोकने अपने ढोकाने वाटरफॉल। अबे भाई सीधा हो जा, अपने ढोकाने वाटरफॉल की जर्नी यही समाप्त होती है। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं घंटे वाले मंदिर, दो चार नाम और बतिया, गोलू देवता मंदिर, इंसाफ का मंदिर, घंटे वाले मंदिर, सब मंदिर एक ही है, तीन मंदिर नहीं जा रहे, एक ही मंदिर जा रहे। निकलते हैं भाई, धूप बहुत तेज है। खतरनाक ऑफ रोडिंग, वो देखो पत्थर मस्त गिरे हुए हैं और ये हथड़िया है लेकिन वो सबसे खतरनाक एरिया है वो ये वाला है, यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। रात में हम यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हुए थे किधर जाना किधर जाना, लेकिन पहुंच गए थे। रात में दिखाने लायक नहीं था कुछ, सब अंधेरा अंधेरा था, अंधेरा अंधेरा। अभी सब क्लियर है लेकिन फट रही है। फाइनली रोड पे आने वाले हैं। अरे रोड था अभी, ओ मेरे को लगा हम आ गए, अभी नहीं आया भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। अभी ऑफ रोडिंग के मजे लो,
मेरी आवाज से ज्यादा तो बुलेट की आवाज आ रही होगी। ये है वॉटरफॉल का रास्ता, ये है वो ऑफ रोड जहाँ से हमें जाना था, मेन रोड छोड़ के। मेन रोड भी इतना कुछ खास नहीं है, बट ये ऑफ रोड है। अभी हम लगभग 8-10 किलोमीटर आए थे और ये देखो ये रिवर बह रही है और यहाँ पे क्या हालत हुई है कि पता नहीं कैसे हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुई है शायद, यहाँ से पत्थर गिरा और ये पूरा टूट के कबाड़ हो गया। मतलब यहाँ पे पुल था, ये रोड है पूरा, ये रोड ऐसे गया था सीधा 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 वहां तक और ये हो गया अब खचड़ा, तो वहां बनाया नया रोड। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? NH 109 पूरे रास्ते तो अच्छा था, पर ये देख के अब डर लग रहा है। इट्स अ वेरी रिस्की, टू डेंजरस। उतनी खतरनाक रिवर लग नहीं रही है। रिवर का फ्लो आगे मैंने देखा तो रोक रखा था उन्होंने कंस्ट्रक्शन की वजह से, डैम काइंड ऑफ बना के, लेकिन जो इसे देख के फट रही है। अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ देखो ये पूरा झड़ गया बेचारा। भाई भाई ऊपर से एक पत्थर आया, हम दोनों निपट गए, तो इससे पहले चल ले। नहीं नहीं इधर नहीं है, इधर कोई खतरा नहीं है, थोड़ा सा आगे है और किस्मत में लिखा होगा तो नोएडा जाके भी निपट जाएंगे। ये भूस्खलन होने के बाद ये वाला लेन बनाया है जो कि हम वेट कर रहे हैं, एक बार में एक ही साइड के लोग आ जा सकते हैं और हमारा टर्न आ चुका है, चलते हैं। लद्दाख की प्रैक्टिस। अल्टो क्या उछली थी। भर 5 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद हम फाइनली निकल गए। ये जो रोड देख रहे हैं आप बहुत ही बेकार है, कैमरे में वैसे बेकार दिखता नहीं, हर चीज अच्छी दिखती है। उसे ही भरा जा रहा था पीछे, रोड है सफरा और ऊपर से हो रखी है लैंडस्लाइडिंग, तो एक बार में एक ही लोग जा सकते हैं, इस वजह से बहुत ही प्रतीक्षा करनी पड़ी हमको। अभी निकल चुके हैं तो चलते हैं। अगला स्टॉप हमारा कैची धाम आने वाला है, आधा 1 किलोमीटर दूर है, वहां जाके लेंगे ब्रेक क्योंकि अपने को करना है वीडियो अपलोड। 3 दिन तीन दिन से वीडियो लगा रखी है, अब अपलोड हो रही है। ये है कैची धाम मंदिर, अभी अभी ताजा ताजा बना है, लग रहा है कलर हुआ है। तो हम इधर से आए हैं, हमको जाना है इधर, हम रुक गए यहाँ पे, दूर से दर्शन करके निकल लेंगे। बाल मिठाई बैठ के खाई, चल गया। सामने है कैची धाम मंदिर, इधर सामने है बाल मिठाई, इधर बैठा है भाई, जा रहे हैं बाल मिठाई ले ले भाई, ये बड़ा वाला मैं लेता है। हमारी बाइक भी है। सर चाय विद चूड़ा, घर का चूड़ा। मंदिर के दर्शन तो नहीं किए लेकिन मंदिर के सामने बैठ के चाय जरूर पिए। कुछ चीजें पीछे छोड़ जानी चाहिए ताकि आने का बहाना रहे, ऐसा नहीं है यही पास में ही, हम चाहते तो 2 मिनट में चले जाते, लेकिन 15 मिनट से चाय ही पी रहे।